गाय या भैंस का दूध पूरे विश्व में एक अति आवश्यक आहारी तत्व है। अधिकतर दुग्ध उत्पाद, विशेषकर दूध की प्राकृतिक कैल्शियम का एक महत्वपूर्ण आधार है, एक पोषक जो अंतः कंकाल प्रक्रिया के विकास और शक्ति के लिए बहुत जरूरी है। अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि डेयरी उद्योग मनुष्य के अस्तित्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ी में हालांकि विश्व के बाकी हिस्सों की तुलना में डेयरी एक बहुत ही नया उत्पाद है। अंग्रेजों ने ही नेपाल से गोरखा चरवाहों को लाकर इस क्षेत्र में दूध उत्पादन आरंभ किया। वास्तव में उस समय दूध तो कभी भी स्थानीय आहार आदत था ही नहीं। गायों का पालन पोषण केवल मांस और खाद के उद्देश्य से किया जाता था, किंतु नेपाल से आप्रवासी चरवाहों के आगमन ने मेघालय के पहाड़ी राज्य में डेयरी उद्योग का प्रारंभ किया। आज पशुपालन और दूध उत्पादन स्थानीय लोगों के लिए दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यह क्षेत्र अब पहले की तरह गोरखाओं द्वारा नियंत्रित नहीं है। खासी लोगों ने इसे साधन मात्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। वे संगठित है और अपनी पहुंच में बहुत ही सुव्यवस्थित हैं। इसका उत्तम उदाहरण उमलिंका प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उमलिंका मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ी के मिल्लेम ब्लॉक में स्थित एक गांव है। यह शिलोंग के परिसर में स्थित है और अब यह मेघालय के निज सफेद क्रांति का केंद्र समझा जाता है। और यह एक व्यक्ति के अवलोकन के कारण शुरू हुआ, जिसका नाम है श्री पिस्टन खारबतेंग। श्री खारबतेंग उन हर विवरण को याद करते हैं कि कैसे यह समाज उत्पन्न हुआ और अपने समूह के साथ लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस गतिविधि को शुरू किया। ऐसा है कि साल 1987 में नेपाली दंगा हुआ था, तो उस समय यहाँ भी बहुत सारे नेपाली लोग थे, तो हमारा अपना गौशाला था। पहले हमारे माता पिता किसान थे, तो हमने गौशाला बनाया और हमने उन्हें रहने दिया और हम खुद ही खाद्य लेते थे। तो उस दंगे से वे लोग निकल गए, तो हमने गायों को खरीद लिया और अपने लिए रख लिया। बिना किसी उपकरण के मात्र गायों एवं दूध के पात्र सहित इस समूह ने अपनी आस्तीन ऊपर कर कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके दौरान वे एक साथ इस काम को सीख भी रहे थे। तीन वर्षों बाद 1990 को उन्होंने इस समाज की स्थापना की और उनका पहला एकत्रित दूध
लगभग 20 लीटर था, जिसे उन्होंने पशु चिकित्सा और पशुपालन विभाग को 3 रुपए प्रति लीटर में बेचा। आज वे 4000 से 5000 लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन करते हैं, जिसे वे अन्य दूध सहकारियों के साथ बेचते हैं, जो ईस्ट खासी हिल्स कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के अंदर के क्षेत्र में क्रियाशील है। जो 7 सदस्यों के प्रचालन से शुरू हुआ, आज वह एक सहकारी समाज है, जिसके अंदर 125 परिवार शामिल हैं, प्रत्येक के निजी गौशाला के साथ। तो एक प्रकार से मैं अपनी जाति को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि वो इस काम को अपनाएं। उन्हें कोई शर्म नहीं होना चाहिए, उन्हें शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ, हम दूसरों की हंसी खूब उड़ाते हैं जब वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो गंदा हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ से हमें काफी धन मिलता है। तो इसलिए मैं अपने खासी भाइयों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे इस काम को अपनाएं। हाँ, ये काम कठिन है, लेकिन कठिन होने से भी इसमें लाभ है। अब यह समाज एक पूर्ण रूप से परिचालित डेयरी सहकारी है, जो उमलंका और आसपास के गांवों के अनगिनत परिवारों का भरण पोषण करता है। जो दूध का उत्पादन वे करते हैं, वो उपभोक्ताओं के लिए प्रमाणित है, जो मेघालय सरकार के अंतर्गत आता है। किसी बीमारी से परेशान है, चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। उमलिंगा सोसाइटी हमारे राज्य का सबसे पुराना सहकारी है। उन्होंने इस सहकारी को साल 92 या 93 को शुरू किया था, तो एक छोटे सहकारी से एक बहुत बड़े सहकारी में पहुंच गया है। पहले 10 लीटर दूध निकालते थे, आज लगभग 5000 लीटर दूध प्रतिदिन निकालता है। तो इस सहकारी के विकास के पीछे श्री प्रिस्टन खरबतेंग का हाथ है। वे वो व्यक्ति है जिन्होंने जिम्मेदारी ली और उन्होंने इस सहकारी को अपने घर के मामले की तरह संभाला और इसे ऐसा विकसित किया जैसे हम आज देख पा रहे हैं।
अब श्री खरबतेंग इस समाज के सलाहकार हैं, क्योंकि उन्होंने ईस्ट खासी हिल्स मिल्क यूनियन के अध्यक्ष की भूमिका ली है। वे मेघालय उद्यमिता के संस्थान में प्रशिक्षण का संचालन भी करते हैं, क्योंकि वे यह दृढ़ विश्वास रखते हैं कि यदि किसी के पास ज्ञान है तो दूसरों की भलाई के लिए उसे बांटना चाहिए। मुझे याद है साल 1996 को, उस वक्त मैं गाय पालने के इस काम को अच्छे से समझ नहीं पाया था। उसी साल मुझे वेटरनरी की मदद से आनंद जाने का मौका मिला। इससे ही मुझे आनंद के विभिन्न सहकारियों में जाने का मौका मिला। इससे मेरे मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि अगर कोई और इसे कर सकता है तो मैं अपने गांव में इसे क्यों नहीं कर सकता। सहकारी के हर सदस्यों के लिए दिन की शुरुआत भोर से पहले होती है, जब दुहना शुरू होता है। जब दूध एकत्रित हो जाता है तब उसे संग्रह केंद्र में लाया जाता है, जहां दूध को यूनियन मिल्क टैंकर में पास्चरीकरण, ठंडा रखने और पैकिंग के लिए भेजने से पहले एक बहुत बड़े टब में डाला जाता है। संग्रह केंद्र के पास एक परीक्षण उपकरण है, जिसके प्रयोग से यह निश्चित हो सके कि लाया गया दूध पूर्ण रूप से शुद्ध और बिना पानी मिलाया हुआ है। गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यह संघ नियम है और इस नियम का सख्ती से पालन किया जाता है। जो दूध हमें शाकाहारी से मिलती है वे कोशिश करते हैं कि वो हमें अच्छा दूध दे सके, लेकिन काम करने के तरीके में कुछ मुश्किलें हैं, जहां वे दूध में थोड़ा पानी मिलाए बिना नहीं दे सकते ताकि उस दूध को वे ज़्यादा समय तक रख सके। क्योंकि हमारी प्रक्रिया ऐसी है, हम शाकाहारी से केवल सुबह दूध इकट्ठा करते हैं, लेकिन गाय से 2-3 बार भी दूध निकालते हैं। तो अगर दोपहर और शाम को दोहते हैं तो उस दूध को पूरी रात रखना पड़ेगा, तो उनका वो दूध रात को ख़राब ना हो इसलिए हमें थोड़ा पानी मिलाना ही पड़ता है। तो अभी यूनियन का प्रयास है कि वे दूध ठंडा रखने का मशीन दे। उसे दोपहर और शाम को निकाले हुए दूध को ठंडा रखने में मदद मिलती है। शाम और रात को निकाले हुए दूध को हमें संभाल कर रखना पड़ता है ताकि वो खराब ना हो। तो अब हम उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसको बल्क मिल्क कूलर कहते हैं, जो दूध को प्रिजर्व करके रखता है। दूध अंतिम उत्पाद है, किंतु
सहकारी भी अपनी ओर से पूरा ध्यान रखती है। यह सदस्यों एवं गायों को भी शामिल करती है। वर्तमान में सन जज लिंगडॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव हैं और उन्होंने एक गाय से शुरू किया। आज उनके पास उनके घर के पीछे गौशाला में 20 गाय हैं। वे जानते हैं कि एक गौशाला को अपनाना मात्र गायों का होना और दुहने से बढ़कर है। यहाँ पशुओं की देखभाल का भी प्रश्न है। उनको सही आहार देना और यह पक्का करना कि वे स्वस्थ और हार्दिक हैं। तो ये दवाइयाँ जिन्हें अभी हम दे रहे हैं मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, गायों के स्वास्थ्य के लिए, दूध के लिए वगैरह। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, विटामिन से लेकर कीटनाशक दवाइयाँ भी अच्छी है। तो दवाइयों की बात जहाँ तक है, जनता उन्हें विधिवत देते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो दवाई देने से मना करे। आजकल ज्यादातर लोग दवाइयाँ देते हैं। मैं थोड़ा वैस्मिन के बारे में कहना चाहता हूँ, जो मिनरल मिक्सचर है। पहले जब हम इस वैस्मिन को नहीं देते थे तब दूध की मात्रा कम होती थी, चर्बी कम थी। तो अभी वैस्मिन देने से दूध की मात्रा भी बढ़ गई है, फैट भी ठीक है। और यही नहीं, सहकारी राज्य पशुपालन विभाग सहित टीकाकरण ड्राइव का आयोजन करते हैं, जिससे कि वे यह निश्चित कर सके कि सभी गाय रोगों से बच सके। विशेषकर कुख्यात पैर और मुंह के रोग या फुट एंड माउथ डिजीज। यह यहां समाप्त नहीं होता। सदस्य एक अग्रिम की मांग भी कर सकते हैं, जिससे वे अपने धंधे का विकास कर सकें, जिसके द्वारा वे अधिक गाय खरीद सकें या बेहतरीन गौशाला बना सकें। यह एक ब्याज मुक्त सूक्ष्म वित्त पोषण की एक व्यवस्था है और अब तक कोई भी बकायेदार नहीं हुआ। क्योंकि सभी सदस्य अपने ही या दूसरे गांव के निवासी हैं, जब कोई अग्रिम की याचना करता है तो उसकी जांच करना बहुत आसान है। आई कितना दूध भले भेट मेरी। वे सभी उत्पादन बढ़ाने और उसके विकास के गंभीर इरादे वाले विश्वसनीय उधारकर्ता हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ऋण से ही प्रोत्साहित करना ठीक नहीं, लोन से नहीं होगा। तो इसलिए हमारे पास सहकारी का कुछ फंड था,
उसी सहकारी के फंड को देकर हमने सदस्यों की मदद की, तो मदद करके हम कोई ब्याज नहीं लेते, हम ऐसे ही देकर दूध के बिल से काट लेते हैं। ऐसा करके ही हम इतने आगे पहुंच पाए हैं। पिस्टन खरबतेंग को बैंक ऋण में विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको यह महसूस होता है कि इससे लोग ब्याज के गुलाम बन जाते हैं। यह उनका विचार है और लोग उसका सम्मान करते हैं। पढ़ाई समाप्त करने के बावजूद भी हम बेरोजगार हैं। हमने कई आवेदन भेजे लेकिन हमें कोई नौकरी नहीं मिली। श्री खरबतेंग ने हमें कभी हताश होने नहीं दिया। उन्होंने मार्ग दिखाया और हमें गाय पालने का प्रशिक्षण दिया और उस दूध का व्यापार किस तरह करना चाहिए, यह हमारे लिए एक आशीर्वाद है। लगभग 9 साल हो गए जब से मैं गाय पालना शुरू किया। सहकारी में भाग लेने के साथ साथ मेरे घर कई मामलों में आगे बढ़ने लगा। पहले मैं दूसरा काम किया करता था तो आमदनी कम थी, तो हम एक साल से दूसरे साल विकास करते जा रहे हैं। तो लाभ ये है कि पहले हमें सिर्फ 30 लीटर दूध मिलता था, आज दिन में 100 लीटर दूध मिलता है। अगर उनके दूर देखने की बात ना होती तो हमारे गांव बहुत पिछड़ा होता। यह दूध के उपभोक्ताओं के विषय में भी है, एक विश्वास का तत्व है जिसे लोगों ने उमलिंका मिल्क कोऑपरेटिव को प्रदान किया है। मेलविन मैनिस मेघालय के प्रथम चीज मेकर अथवा पनीर बनाने वाले व्यक्ति हैं। हम यहाँ बड़े पैमाने पर उत्पादित संसाधित पनीर के विषय में नहीं, बल्कि पुरानी गुणवत्ता दस्तकारी पनीर के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अपनी तरह का पहला अच्छा पनीर अच्छे दूध से ही बनता है, तथा यह तथ्य कि मेलविन इसे उमलिंका मिल्क कोऑपरेटिव से प्राप्त करते हैं, वे उनके बढ़िया उत्पादित दूध के विषय में संस्करणों बोलते हैं। पहले जब मैंने चीज बनाना शुरू किया था तो मैं यहाँ वहाँ से उपाय ढूंढा करता था। मैंने उमलिंगा से लिया, मोगासियांग से, नोंगरा से, उमपलिंग से, मैंने सब जगह से कोशिश की थी, लेकिन गुणवत्ता में रोज फर्क पड़ता था। एक दिन कुछ और होता है तो दूसरा दिन कुछ और। उमलिंगा से सामान्य गुणवत्ता देखी रोज, वो हमेशा अच्छा रहता है। कभी कभार फर्क होता है लेकिन रोज एक सा रहता है। अभी दशकों से दूध कई उत्पादों जैसे मक्खन, पनीर, आइसक्रीम, दही तथा चॉकलेट और क्रीम आदि का प्राथमिक संघटक रहा है। यह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का हिस्सा है। डेयरी फार्म व्यापार को और कहीं नहीं अपितु ऊपर जाना है, क्योंकि लोगों को सदा दूध की आवश्यकता होगी। इसलिए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उमलिंका प्राइमरी मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां टिका रहेगा। Get up!